अस्सलाम वालेकुम कासिम, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ यार असद? बस मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कासिम, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से आई थिंक एजुकेशन वाइज जो तुम्हारा पैटर्न रहा है, तो तुम्हारी अचीवमेंट रही है, उससे बहुत सारे लोग आज बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एटलीस्ट मैं तो चाहूँगा मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया तुमने इसमें एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट मेरी आने के लिए लाइव। खुशामदीद। कैसा चल रहा है सब कुछ? हाउ इज इट गोइंग? किस तरह का सेटअप चल रहा है तुम्हारा अभी MIT के अंदर? दुनिया की #1 यूनिवर्सिटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम NED और इन #1 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और उसके अंदर भी तुम मतलब पढ़ा रहे हो, तो यू हैव डन समथिंग रिमार्केबल, आई मीन टू बी ऑनेस्ट। सो थोड़ा अपने बारे में बताओ ऑडियंस को, और क्या कर रहे हो, थोड़ा सा ब्रीफ करो अपने बारे में। श्योर। नहीं यार अल्लाह का शुक्र है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर मैं अपनी जर्नी के ऊपर पूरा देखूं तो ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीज़ें बस अल्लाह ताला ने करवानी थी तो होती चली गई, वरना मैं मुझ में अभी तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी अभी भी ऐसी नहीं है जो पता नहीं अल्लाह ने करवाना था तो सारी चीज़ें खुद ब खुद एक के बाद एक होती चली गई। मुझे इसलिए मैं इसके ऊपर कोई क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता, इसलिए कि मुझे पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे हाथ में थी। इसके अलावा अभी जो आजकल मैं कर रहा हूँ MIT के अंदर रिसर्च, वो बेसिकली मैं न्यूरो साइंटिस्ट हूँ, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंटिस्ट। तो जो मेरा मेन काम है वो ये है कि जो साइकेट्री होती है उसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रग्स हैं वो नॉर्मली इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, तो लोग एक के बाद एक दूसरी ड्रग्स देते जाते हैं जब तक कोई चीज़ काम ना करे। साइकेट्रिस्ट को कोई आइडिया नहीं होता कि कौन सी ड्रग जो है वो काम करेगी। मेरा काम ये होता है कि मैं ये आइडेंटिफाई करूँ कि कौन सी ड्रग जो है, मशीन लर्निंग यूज़ करता हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के डिफरेंट टूल्स, के कौन सी ड्रग जो है किस पर्सन को दी जाए वो उसके ऊपर काम करेगी, बेसिकली इफेक्टिव रहेगी। इसको पर्सनलाइज मेडिसिन भी कहते हैं, और जो सारी अप्रोचेस मैं यूज़ करता हूँ वो कंप्यूटेशनल अप्रोचेस होती हैं। तो काफ़ी हॉट टॉपिक है ये, और इसके अंदर काफ़ी काम चल रहा है, और सिर्फ हमारी लैब है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो ये वाला काम कर सकती है। तो मैं उन मेरे ख्याल से 4-5 लोगों में से एक हूँ पूरी दुनिया में जो साइकेट्री के अंदर पर्सनलाइज मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं, या ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ड्रग जो है वो किस पर्सन के लिए इफेक्टिव है और कौन सी ड्रग उसके लिए इफेक्टिव नहीं है। तो आप ऑब्वियसली काफ़ी टाइम भी बचा लेते हो, इसलिए कि आप वो वाली ड्रग्स देते ही नहीं हो, वो वाली ट्रीटमेंट देते ही नहीं हो जिसका कोई फायदा नहीं होगा उस पर्सन के ऊपर। सो इट्स प्योरली रिसर्च वर्क, या तो हम साथ में टीचिंग भी कर रहे हो? यार टीचिंग भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी टीचिंग को जितना ज़्यादा महदूद कर सकूँ वो करूँ। तो MIT में मैंने मेरे ख्याल से 2-3 कोर्सेज पढ़ाए, जिनमें से एक कोर्स जो था, जब पहला कोर्स पढ़ाया था तो बड़ी खुशी हुई थी कि यार ज़बरदस्त MIT में पढ़ा रहे हैं, कभी हम पढ़ना चाहते थे MIT के अंदर। लेकिन उसके बाद जो है वो चीज़ नॉर्मल बन जाती है, और उसके बाद जो फिर ऐसा लगने लगता है कि यार ये बिलावजह में पढ़ाने की क्या झंझट लेनी सर। तो जितना काम आप अपने काम पे फोकस कर सको उतना ज़्यादा बेहतर है। इसे लेके जब आपको पढ़ाना होता है तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होती है, उसके बाद आप जाओ सब मतलब बेसिकली लेक्चर डिलीवर करो, इट्स अ हेडेक। चलें, गुड टू हेयर। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग का एक पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं, और हम पैटर्न ये है कि हम स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ जिसको हम लोग NED से स्टार्ट करते हैं, और फिर आगे जो भी आपने अचीव किया है स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं योर लाइफ इन NED। How was it? What kind of a student you were? किस तरह के स्टूडेंट थे? क्या एक्टिविटीज थी? कैसे बयान करोगे अपनी लाइफ को NED में? यार NED के अंदर ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपना इंटरमीडिएट ख़त्म किया तो उसके बाद से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब बेसिकली इंटरेस्ट छोड़ दिया था। तो NED के अंदर ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी। सारा मेरे बराबर में साद एक लड़का होता था, वो बैठता था, इसको हमारे स्कूल का ही था, चिन्योट का था, साद अख्तर। तो हम लोग लिटरली सुबह से लेके NED के एंड तक खत्म होने तक आपस में बातें करते रहते थे, और कुछ काम नहीं होता था। बहुत सारे लेक्चर ऐसे होते थे जो मुझे पता ही नहीं चलता था कि लेक्चर में हुआ क्या। तो सारा साल जो है खत्म होने के बाद जब हम लोग उन नोट्स को देख रहे होते थे किसी पोजीशन होल्डर से लेके, तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा होता था कि यार अच्छा ये भी पढ़ाया था और ये भी पढ़ाया था। तो उस वक्त बैठ के फिर वही नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है कि आप कंबाइन स्टडी करते हो, कोई एक लड़का समझ के आ जाता है, वो फिर बाकियों को समझा रहा होता है, तो उसी तरीके से चल रहा होता था हमारी तरफ भी। ज्यादातर हमारे ग्रुप के अंदर उमैर एक लड़का 80% और 90% जो लड़के जिस तरह से कर रहे होते हैं एनईडी के अंदर वैसे ही रहे। एग्जैक्टली, तो वो ज्यादातर मेरा यही रहा और इसी वजह से जो परसेंटेज थी मेरी वो भी बड़ी मीडियम सी थी। तो मैं समझो मैंने एक दफा जब रिजल्ट आया था तो मैंने सोचा कि यार मेरा आखिर रैंक बनता क्या है, इसलिए कि वो टॉप 10 के बाद तो रैंक देते ही नहीं थे। मैंने कहा यार लेकिन चलो हम काउंट करते हैं कि आखिर मेरा रैंक बना क्या। तो मेरा रैंक 70th बना था 140 में, तो बेसिकली पूरा मिडिल के अंदर था मैं। मैंने कहा यार चलो सही है। अब 70 लड़के मुझसे ऊपर थे, तो जिन्होंने जो बेसिकली एक होता है कि यार आप मिडिल में हो, उसका ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है, इसलिए कि आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ों के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। तो वो मेरे ख्याल से मेरी उन चीज़ों की वजह से। तो ऐसा तूने पूरे 4 साल रखा या फिर आपने बीच में कुछ और बीच में लगा के नहीं यार अब CGPA मैटर्स। वैसे आजकल काफ़ी डिस्कशन हो रहा है GPA के ऊपर कि भाई कितना होना चाहिए। सो 4 साल ऐसे ही रहे बिल्कुल ठंड प्रोग्राम या कुछ कोशिश की किस सब्जेक्ट में यार कोई एक माइंड सेट हो? क्योंकि देखो मैं अपना तुम्हें एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा ये था कि जब भी एनईडी में गया ना तो मुझे लगा ठीक है मुझे GPA मैटर्स करती लेकिन इतनी नहीं करती। तो मेरे माइंड में एक चीज़ ये कि 70% शायद इज अ गुड वैल्यू कि अगर मैं इसको मेंटेन करूं तो इट्स इनफ। आई डोंट वांट 80-85, आई डोंट वांट कि 50-60 हो बिल्कुल। और जब मैं पास आउट हुआ तो एग्जैक्टली 70% पे पास आउट हुआ था। उस वक्त एनुअल सिस्टम था, GPA सिस्टम था नहीं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। आई अचीव्ड जो मैंने अचीव करना था वो मैंने अचीव किया एनईडी के अंदर। तो तुम्हारा 4 साल ऐसे ही रहा था, ठंड प्रोग्राम थी या फिर कुछ कभी लगा यार थोड़ा सीरियस होते हैं? यार मसला ये था कि हर साल एग्जाम्स के वक्त मैं ये सोचता था और मेरे साथ जो बाकी दोस्त थे वो भी ये सोचते थे कि यार अगले साल से पढ़ेंगे। और अगले साल से फिर हम शुरू में थोड़े से मोटिवेटेड होते थे, उसके बाद जो है वो समझ में आना बंद हो जाता था और फिर हम ये सोचते थे कि यार चलो छोड़ो, क्या करना है इतनी एफर्ट करके, रोज तो पढ़ाई करनी नहीं है। तो वो इस चक्कर में हर चीज जो है ना वो डिले होती जाती थी और आखिरकार जाके इन दी एंड वो आखिरी महीनों के अंदर ही फिर सारी पढ़ाई होती। तो ये पैटर्न बड़ा रिपीट हुआ है, मतलब ये मुसलसल 4 साल मेरे साथ रिपीट होता रहा कि जो है कोशिश ये होती थी शुरू में कि यार नहीं पढ़ेंगे इस दफा, GPA मैटर करती है भाई, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा तो वाई नॉट। लेकिन उसके बाद जो है वो इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी और इतनी एफर्ट करने की भी नहीं दिल चाहता था। तो फिर इसी तरह के अलावा क्या ट्यूशंस वगैरह में था जोर या साथ में ऐसा होता है कि भाई कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं दोस्तों यारों के साथ या कोई किसी में रहे या बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेशन की? नहीं, उसमें मैं रहा तो बेसिकली मैं ट्यूशन पढ़ाता था 2-3, इसलिए कि मिडिल क्लास फैमिली से यार बंदा यही करता है कि एनईडी के अंदर आने के बाद आपको बड़ी अच्छी ट्यूशंस मिल जाती हैं। तो मिडिल क्लास छोड़ो, आई थिंक जो सही फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं एनईडी में आके वो भी ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। मैंने तो ये देखा, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग, पैसे अच्छे मिल रहे होते हैं। तो वो मैं ट्यूशन पढ़ाता था। उसके अलावा जो है यही जो मेरा ग्रुप है बेसिकली उमैर हो गया, साद हो गया, हाद हो गया, ये हम लोगों के बेसिकली स्कूल के ज़माने से दोस्त हैं, तो इनके साथ थोड़ी गैदरिंग वगैरह हो जाती थी। इसके अलावा जो है एक और काम जो मेरा बेसिकली फारिग वक्त में होता था वो ये होता था कि यूनिवर्सिटीज़ को मैं सर्च कर रहा होता था। तो एनईडी का जो फर्स्ट ईयर था उस ज़माने से मैं हर मुल्क की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ थी उनको सेलेक्ट करता था और उनका ये देखता था कि उनका जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का वो क्या है और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये तो काफ़ी स्ट्रेंज नहीं है, पूरे वक्त 4 साल में पढ़ाई नहीं की और उसके बाद आगे पढ़ाई करने के लिए खूब रिसर्चेज हो रही हैं। ये बहुत स्ट्रेंज है और ये मेरी समझ में नहीं आता था कि मतलब ये क्यों था। इसलिए कि बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो फर्स्ट मोटिवेशन जो मेरी बाहर जाने की थी वो पढ़ाई नहीं थी, वो ये थी कि यार चलो आप पाकिस्तान से बाहर निकलो, घूमो फिरो और एंजॉय करो। ये फर्स्ट मोटिवेशन मेरी बन रही थी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे बस बाहर जाना है, घूमना है और मुख्तलिफ मुल्क देखने हैं और इस बड़ा मज़ा आएगा। तो इस चक्कर में आपके पास फिर सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करते रहो। तो ये मतलब मुझे कोई काम नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये मतलब मैं जो सेटिस्फेक्शन होती है ना एक तरह की वो मिल रही होती थी कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखो और मतलब मुख्तलिफ रैंकिंग्स को एवेलुएट करो, देखो कि कहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं एडमिशन होने के और मुख्तलिफ लोगों से कनेक्ट करो। उस टाइम पे एक ग्रुप होता था सैट फेस करके, ये इतनी पुरानी बात है कि उस टाइम पे याहू ग्रुप्स होते थे, फेसबुक ग्रुप नहीं होते थे। तो याहू ग्रुप्स के ऊपर एक ग्रुप होता था सेट फेस, वो बेसिकली तकरीबन 5000 उसके अंदर पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कॉलर्स थे जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए थे और वो लोगों की हेल्प कर रहे होते थे। तो ये काफ़ी अच्छा और कनेक्टेड ग्रुप था जो नए लड़के होते थे जिनको बाहर जाने का शौक होता था, उनको काफ़ी अच्छी एडवाइसेस वगैरह वहाँ से मिल जाती थी। तो उस ग्रुप पे काफ़ी टाइम गुजरा मेरा। ऑब्वियसली कुछ लोग आपकी वहाँ पे हेल्प कर देते हैं, आपकी CV को जो है वो रिव्यू करके भेज देते हैं और आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है या मोटिवेशन लेटर होता है उसको जो है वो उस वक्त मुझे रिव्यू करके भेजते रहते थे। ये स्टिल मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड ईयर की, मे बी सेकंड ईयर के अंदर मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के बाद उसको लोगों से रिव्यू करवा लेता था। तो मुझे बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को रिव्यू करवाने के बाद उसको इम्प्रूव करने में मुसलसल जो इटरेशंस होती हैं वो तकरीबन 6 महीने तक लगे होंगे। तो 6 महीने मैंने सिर्फ एक लेटर के ऊपर काम किया था कि नहीं यार ये अच्छा हो, इससे लेके मुझे पता था कि मेरी जीपी तो नहीं आनी, मेरी परसेंटेज तो नहीं आनी, मुझे बाकी चीजों के ऊपर कम से कम काम कर लेना है। चलो वेरी गुड। तो उसमें देखते हुए ये तो तुम कह रहे हो कि भाई शुरू से तुम सेकंड ईयर से स्टार्ट हो गया था, तो इरास्मस मुंडस को कब सोचना शुरू किया? कोई गाइडेंस मिली थी कहीं से, किसी ने बताया था या ढूंढते पता चल गया इसका? नहीं यार, इरास्मस मुंडस का बेसिकली मुझे पहले से पता था, लेकिन इरास्मस मुंडस बड़ा अजीब सा कोर्स है। उसके अंदर मसला यह है कि उसके जो नाम होते हैं ना वो उसके कंटेंट से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, सिर्फ एक कोर्स। तो इसमें ऐसा करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो है उसको देखते हैं ताकि ऑडियंस को भी आइडिया हो कि क्या चीज है, और देन फिर उसमें आगे फिर बात करते हैं। I was looking for master programs in Europe because I've never been in Europe before, and I really wanted to come here, get to know, the culture here and everything. I am Alain Temo, professor at the University Jean Monnet Saint-Etienne in France. I am not only the coordinator of this master program, but I teach also in this master. Well, I have 3 main objectives. The first one is to advise, help students from the pre-arrival stage to the post-graduation stage. The second main point is to help students and to support for the academic activities. And finally, I would say what's important too is to give students advice on a personal level, listening to them if they need to talk to somebody and be someone who is available for them at all times, whether they are in Saint-Etienne, in Jovic, in Granada, or in US. If you think that you are going to visit 4 different countries and study, that is fascinating in itself. And then when you study something which is quite to your motivation, which you like a lot, then it's really interesting. I enjoyed my CIMET life. I think it's a great opportunity to learn in different universities because every university has different expertise. Professors are really helpful and they know what students are thinking, I think. They read our faces very well. So it's very comfortable to be in the classroom. It's not very strict or nothing like this. And it's good for education also to be in a very serene environment. You have all the facilities of life which you can desire and a very peaceful atmosphere. This is amazing, I think. Just from the name, color in informatics and media technology, you can imagine informatics and media, these 2 words is, I mean, maybe not the hottest, but one of the hottest topics in the world now. We met a lot of French students and we have a very wonderful time after class. such like we go to the dancing class to learn the salsa and some other funding activities. Also, the international office organized some activities in the weekend for the international students and to travel nearby cities, something like that. It's really an exchange during all the year with the students. It's also interesting to say that the students receive a very high grant scholarship from the European community, and thanks to this help, it's a real opportunity for them to develop their future career, and it's another reason for them to be very motivated by this master program. So एक इंट्रोडक्शन था वीडियो से, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम भी थोड़ा ब्रीफ करोगे तुमने क्या एक्चुअली प्रोग्राम इसमें किया है। यार बेसिकली इसके अंदर जो एरास्मस मुंडस के मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो ये जो वीडियो तुम शो कर रहे थे वो उस प्रोग्राम की है जिसको प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया था। तो अब इसका नाम कलर्स एंड मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कलर्स एंड इंफॉर्मेटिक्स एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, ये नाम है बेसिकली, सीमेट करके इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ नाम को पढ़ो तो आपको पता ही नहीं चलता कि यार ये आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कहाँ से होगा, ये तो कोई कलर्स के बारे में कुछ पढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक्चुअली इसके अंदर हर्डल होती है कि इसके जो नाम हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्क्योर टाइप के होते हैं और आपको पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ती है, उसके कोर्स कंटेंट्स देखने पड़ते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार ये आपसे कितना रेलेवेंट है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ थी वो ये थी कि इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन वाला एरिया था, और मैं बेसिकली एनईडी के ज़माने से जो है इस एरिया के अंदर जाना चाहता था, सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के एरिया के अंदर काम करना चाहता था। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि ये एरिया होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं इस एरिया के अंदर जाके काम करना चाहता था। तो जब मैंने अप्लाई किया तो बहुत सारी ट्रिक्स, मतलब ट्रिक्स नहीं कह सकते उसको, लेकिन मुझे ये पता था कि ये लोग बहुत सारी चीज़ों को एवेल्यूएट करते हैं और कभी भी आपकी जो परसेंटेज है सिर्फ उसी के बेसिस के ऊपर एडमिशन नहीं होता, पूरी प्रोफाइल होती है। तो उस पूरी प्रोफाइल के अंदर मेरे पास एक आध रिसर्च पेपर था जो मैंने एनईडी के ज़माने में बेसिकली लिख के पब्लिश करा दिया था। तो वो ऐसे हुआ था कि सिर्फ एक सिंपल सा रिव्यू पेपर था, मुझे एक सीनियर ने बताया, वो उस टाइम पे एनईडी के अंदर टीच कर रहे थे, तो हमसे एक साल सीनियर थे। उन्होंने बोला कि देखो एक कॉन्फ्रेंस आ रही है, अगर तुम इस तरह बाहर वगैरह अप्लाई करने के अंदर इंटरेस्टेड हो तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर तुम कुछ पब्लिश करा दोगे तो बहुत फायदा होगा। मैंने कहा यार ये तो अच्छा आइडिया है। तो मैंने बेसिकली 10-15 पेपर पढ़ के एक रिव्यू पेपर उठा के लिख दिया। बड़ा आसान सा काम होता है रिव्यू पेपर लिखना, उसमें कोई टेंशन नहीं होती, और वो एक्सेप्ट भी हो गया, पब्लिश भी हो गया। तो उसको फिर मैं अपनी सीवी के अंदर खूब एडवर्टाइज करता था कि ओ मेरे पास रिव्यू पेपर है, मैंने अंडरग्रेड के अंदर लिख दिया। तो इस तरह की चीज़ों से मैं फिर कवर करने की कोशिश कर रहा होता था जो जीपी या परसेंटेज का जो प्रॉब्लम था। उसी तरीके से जो रिकमेंडेशन लेटर्स थे वो मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिए थे। जो टीचर्स थे वो तो इतने ज़्यादा मशहूर नहीं थे, लेकिन जिन टीचर्स से लिए थे वो बेसिकली उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तुम खुद ही लिख के ला दो। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से लिखे थे और बड़ा टाइम लगा के लिखे थे, मतलब जो है काफ़ी उसके ऊपर मैंने लोगों से रिव्यू लिया था कि किस तरीके से मैं रिकमेंडेशन लेटर जो है ज़्यादा बेहतर लिख सकता हूँ, और फिर उन सारी चीज़ों को जो है मैंने उसके अंदर पुट करके बेहतरीन सा अच्छा सा प्यारा सा लिखा था। एक और काम मैंने ये किया, तो बेसिकली जो सीवी से लेके जो बाकी जितनी चीज़ें होती हैं जीपी के अलावा जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर मैंने एक एक चीज़ के ऊपर बड़ी बड़ी मेहनत करी है। तो एक और काम मैंने ये किया था कि मैं प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करता था जब मैं एनईडी के फर्स्ट ईयर में था, तो मैं तब से प्रोफेसर्स को ईमेल लिखता था। उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी बेहतर, एक एकेडमिक कम्युनिकेशन होती है कि आपको किसी प्रोफेसर से या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर थे, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के हो गए, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया के अंदर मैं हर प्रोफेसर को लिखता था जो भी मुझे रिप्लाई कर दे। शुरू की ईमेल्स अब अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आती है, इसलिए कि उस टाइम पे आपको कम्युनिकेशन करना ही नहीं आती, आपको पता ही नहीं होता, आप अंडरग्रेड में आप पहुंचे होते हो फर्स्ट ईयर के अंदर इंटर करके, तो आपको यही नहीं पता होता आपको एक बिजनेस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैसे करनी है, मुझे भी नहीं आती थी। तो आप 1000 ईमेल लिखते हो तो शायद एक, तुम्हें वैसे लगता है ये सॉफ्ट स्किल्स में इस पे मजीद वर्क होना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इस चीज में हम लोग बहुत सारे लोग लैग करते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिकली अगर कोई चीज ज्यादा वैसे एक कोर्स था हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का, लेकिन वो भी काइंड ऑफ थियोरेटिकल था, कोई प्रैक्टिकल उस पे स्पीकिंग किस तरह से करनी है, बॉडी लैंग्वेज की वर्किंग है वो नहीं थी एज सच, तो थियोरेटिकल बस उस पे एसेस वगैरह लिख के और उस पे आगे चल रहा था। तो आई बिलीव मेरे ख्याल से तुम एग्री करोगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल में पुश करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट्स व्हाट रियली मैटर्ड एक्चुअली। हां दैट्स ट्रू, आई टोटली एग्री। आई मीन एक तो ये चीज है कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और मेरे ख्याल से मेरे केस में जो ज्यादा रोल प्ले कर रहा था वो सॉफ्ट स्किल्स कर रही थी। दूसरी ये बात भी होती है कि मेरे ख्याल से हम लोगों को ये बताना होता है कि जब आप किसी भी जैसे लम्स हो गई या बाकी यूनिवर्सिटीज हो गई, आपको उनके बाहर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह जो वहाँ पे जा रहे होते हैं। एनईडी के इस तरह की टॉप यूनिवर्सिटीज में बहुत कम मिलते हैं उसकी जो, या इस तरह के टॉप प्रोग्राम्स में उसकी जो मुझे सबसे बड़ी वजह ये लगती है कि जो एक मेंटरशिप होती है ना टीचर्स की तरफ से, कि वो आपको सिर्फ जीपी के ऊपर फोकस नहीं करवाएं। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के टॉप प्रोग्राम्स में, लेकिन इसके अलावा पूरा पैकेज होता है। आप जब तक पूरे पैकेज के ऊपर वर्क नहीं करोगे, इसे लेके हर चीज के नंबर्स हो रहे होते हैं, वो बेसिकली काउंट कर रहे होते हैं। उनका काम ही है कि आपकी पूरी प्रोफाइल देख के फिर आपको किसी भी चीज में एडमिशन दें। तो जब तक वो उन चीजों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, वो आप टॉप प्रोग्राम्स में जा ही नहीं सकते। लम्स के अंदर नॉर्मली वो आपको शुरू से टारगेट कराते हैं एटलीस्ट पोजीशन होल्डर्स को, कि उनकी पूरी प्रोफाइल बने, कि वो पूरी प्रोफाइल लेके एक साथ चलें। तो ऑब्वियसली फिर पोजीशन होल्डर्स जो है वो काफी आगे तक जा पाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को लेके हुए मैं कहूंगा कि तुम रिक्वेस्ट करो सबको कि भाई जो भी जूनियर्स हैं आगे हैं, अपनी मेंटरशिप जो है अवेलेबल करो इन सबके लिए, ताकि एक पैटर्न उनको मिले। और आई होप कि तुम्हारे उसको पैटर्न को देखते हुए वो फॉलो करें, क्योंकि अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जीपीए इतनी नहीं थी, वैसे कितनी थी जीपीए? अगर यार वही पूछ तो मेरी 70% उस वक्त जीपी नहीं होती थी, बेसिकली परसेंटेज सिस्टम होता था, परसेंटेज थी। तो मेरी 71% थी आई थिंक, 71%। और उसके बावजूद भी यू आर एबल टू गेट दी स्कॉलरशिप, उसके बावजूद भी ऑफ दीस सॉफ्ट स्किल्स, और तुम जो क्योंकि परस्यू कर रहे थे इसको। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो बेसिकली तुम्हें उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकोगे, कि आप बाकी दुनिया में वो चीज ज्यादा मैटर करती है कि आप अपने आप को कितना अच्छा सेल कर सकते हो। तो मुझे ये लगता है कि मैं अभी भी अपने आप को सेल कर रहा होता हूँ। सेल्समैन, यू हैव टू बी अ गुड सेल्समैन टू गेट एनीथिंग। तो वो बड़ी एग्जैक्टली तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी करना शुरू कर दी थी जब मैं एनईडी के अंदर था, इसलिए कि मुझे मास्टर स्कॉलरशिप लेनी थी। मुझे पता था कि मुझे स्कॉलरशिप के ऊपर मास्टर्स करने जाना है यूरोप के अंदर। एक सवाल इस पे लेते हैं, बीच में एकदम से आ गया। सर, आप कितने पेपर में फेल थे? आई थिंक फेल तो नहीं हुए था, मैं फेल नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं फेल नहीं हुआ था बस। तो जो वसनमल वगैरह वाले कुछ पेपर्स थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह, जिसके अंदर आप बिल्कुल बाल बाल बचते हो, लेकिन मेरा अल्लाह का शुक्र है कभी फेल नहीं हुआ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस का बताओ, तुमने बता दिया प्रोफाइल अच्छी बनाई, जीपीए भी नहीं थी, तो एक तरह से तुमने इनकरेज भी किया लोगों को कि भाई सिर्फ जीपीए मैटर नहीं करती, इतनी अच्छी स्कॉलरशिप जो है आप बगैर कम मीडियोकर जीपीए पे से भी कर सकते हो, लेकिन प्रोफाइल मैटर करती है कि किस तरह से उन्होंने फॉलो किया। आगे प्रोसेस कैसा था? वंस यू अप्लाइड कितना टाइम लगा इसके प्रोसेस में, किस तरह से गो थ्रू हुआ, वीजा वगैरह के इशू तो नहीं हुए, किस मतलब जो भी फेज था, कितना टाइम लगा? तुमने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करने के बाद कितने अरसे बाद तुम यूरोप गए थे? कहाँ पे गए थे यूरोप पे? ये तो थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करो। यार वही मैं कह रहा था कि बेसिकली जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने बेसिकली फुल जो एप्लीकेशंस होती है ना वो फिल अप करना शुरू कर दी थी। इरास्मस मुंडस की मैंने सिर्फ एक ही बार अप्लाई किया है जब मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ उस टाइम पे, फाइनल ईयर के अंदर। तो बेसिकली वो जो नेक्स्ट बैच होता है वो सेप्टेम्बर 2009 के अंदर स्टार्ट हो रहा था। तो उस बैच के लिए जो एप्लीकेशंस जाती हैं वो तकरीबन दिसंबर में चली जाती हैं या नवंबर के अंदर चली जाती हैं, एक साल पहले। तो उस टाइम पे मैंने एप्लीकेशंस वगैरह फिलअप कर दी थी सारी की सारी। एप्लीकेशन सिस्टम इनका नॉर्मली वही होता है जो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि आपसे वो सारी की सारी डिटेल्स पूछते हैं। मैंने एक और काम ये किया था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती थी और बहुत सारे प्रोग्राम्स, सिर्फ मैंने इरास्मस मुंडस में अप्लाई नहीं किया था, मैंने इरास्मस मुंडस के अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था। मेरा यूके से एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूसीएल, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, काफ़ी अच्छी हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी। उसके अंदर मुझे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ग्रेजुएशन के बाद यूके के अंदर आपको डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन मिल जाता। प्रॉब्लम क्या थी कि ऑब्वियसली वो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने जरूरत से ज्यादा सेल कर दिया था अपने आप को, उन्होंने कहा मास्टर्स भी ना करें डायरेक्ट पीएचडी में आए। नहीं यार, ये उनका बेसिकली नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो, उसको आई डोंट नो, लेकिन खैर जो है उन्होंने बेसिकली मुझे स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करी। तो जब आपको स्कॉलरशिप ऑफर ना हो रही हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो मैंने अपने हाथ से निकलते हुए देखा था कि मेरा जो एडमिशन है, मैं सोच रहा था वाह पीएचडी, वाह 4 साल में मेरे पास पीएचडी भी हो जाएगा, लेकिन वो मैंने अपने हाथ से निकलते हुए देखा कि अब जब तक आपके पास स्कॉलरशिप ना हो, खासतौर पर यूके जैसे कंट्री के अंदर आप जाके नहीं कर सकते, अच्छी खासी फीस है, उन्होंने फीस भी माफ नहीं करी थी। तो इन दी एंड फिर मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे हर सूरत स्कॉलरशिप लेनी है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई किया, वहाँ पे भी मुझे एक स्कॉलरशिप मिल गई थी, और यहाँ पे एरास्मस मुंडस जो था यहाँ पे मिल गया था, कोरिया के अंदर थोड़ा बहुत मिल गया था। तो एरास्मस मुंडस का एक और फायदा ये था कि ये तो फुल फ्लैच मास्टर्स प्रोग्राम है। उस टाइम पे 2000 बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर एक और इन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम की वो निकाली थी विंडो, जो कहलाती थी कल्चरल एक्सचेंज। तो उसके अंदर ये होता था कि आप 2 साल का मास्टर्स नहीं करोगे, बल्कि वो आपको 1 साल के मास्टर्स के लिए भेजेंगे, उसके बाद आपको वापस पाकिस्तान आना होगा। अच्छी बात ये होती थी लेकिन अच्छी बात ये होती थी, मतलब आपको स्कॉलरशिप वगैरह अच्छी मिलेगी। अच्छी बात ये होती थी कि उसमें एनईडी की 2 सीट्स होती थी, मतलब 2 एनईडियंस को जाना ही जाना स्पेसिफिकली। तो ये चीज मुझे जब पता चली तो मैंने उसके अंदर अप्लाई कर दिया। मैंने कहा वाह, ये तो मतलब जबरदस्त मजे हो गए। दैट वाज इन 2008, दैट वाज इन 2008, 2009 एक्चुअली, इसलिए कि ये जरा थोड़ा देर से निकला था प्रोग्राम। तो जब मैंने उसमें अप्लाई किया, मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा, जब मैंने उसमें अप्लाई किया तो ऑब्वियसली सरोज साहब से मेरी मुलाकात हुई, और फौरन जो है उस वक्त सरोज साहब वो बने हुए थे, चेयरमैन बने हुए थे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, और वही उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस प्रोग्राम को। तो बड़ा सिंपल सा था, 1 आध महीने के अंदर अंदर उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया कि सही है, हम आपको 1 साल के प्रोग्राम के अंदर भेज रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली 1 साल के प्रोग्राम में बड़ा रिस्क होता है, इसलिए कि इसका ये मतलब है कि आपको 1 साल पढ़ना है और आपको वापस पाकिस्तान आके बाकी अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है। बाद में हमारे सिविल इंजीनियरिंग बैच से एक लड़का था जो पोजीशन होल्डर था, वो इसी प्रोग्राम पे उस मेरे 2 साल के बाद गया खैर। लेकिन इसी दौरान मैं वेट कर रहा था कि जो मेरा फुल फ्लैज मास्टर्स प्रोग्राम है, जिसके अंदर पाकिस्तान की कोई सीट नहीं, उसके अंदर वो पूरी दुनिया से सिर्फ 14 लोग सेलेक्ट करते हैं, 14 ओके। तो मैं उसके ऊपर वेटिंग लिस्ट में फंसा हुआ था, मेरा शायद 17 नंबर था और 14 को सेलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर कोई ड्रॉप करेगा तो हम आपको बताएंगे। मैं उसका बैठ के दुआएं कर रहा था, इसमें मेरा हो चुका था 1 साल वाले प्रोग्राम में। फिर इसी दौरान जो है आखिरकार उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपका अब 2-3 लोगों ने ड्रॉप कर दिया है, तो अब आप तो हम ऑफर कर रहे हैं फुल मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर। तो तब जो है फिर बेसिकली मैं एरास्मस मुंडस के अंदर जिस प्रोग्राम के अंदर मैं गया, उस प्रोग्राम के अंदर मैं फिर पहुंचा। तो इसमें कितना टाइम लगा टोटल, अगर ड्यूरेशन की बात करें? टोटल ड्यूरेशन यार मैंने अप्लाई किया था तकरीबन आई थिंक दिसंबर या जनवरी के अंदर, और जो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वेटिंग लिस्ट के बाद जो उन्होंने मुझे बेसिकली फाइनल नोटिफिकेशन दिया है, वो दिया था तकरीबन जून या जुलाई के अंदर। उस टाइम पे मैंने विदिन 6 मंथ्स उस टाइम पे मैंने के इलेक्ट्रिक के अंदर जॉब शुरू कर दी थी, असिस्टेंट मैनेजर बना हुआ था मैं आराम से। और जनरेशन के अंदर, हमारी क्लास के जनरेशन के अंदर बहुत लोग गए ही नहीं थे, मैं मेरे ख्याल से 3 लड़के गए थे जिनमें से एक मैं था। और पहला बैच था के इलेक्ट्रिक का, जिसमें वो लोग असिस्टेंट मैनेजर हायर कर रहे थे सबको। तो मजे ही मजे थे। मैंने कहा यार अब इतनी अच्छी जॉब है, अब ये जॉब छोड़ के जाना है तो एक बात तो पक्की है कि उसके बाद पाकिस्तान कभी वापस नहीं आना। तो खैर उसके बाद फिर जब ये एडमिशन आया तो मैंने वीजे के लिए अप्लाई किया। मेरा जो फर्स्ट कंट्री जहाँ पे मुझे जाना था वो था फिनलैंड। फिनलैंड के अच्छा, एरास्मस मुंडस के प्रोग्राम्स के अंदर एक और खास बात ये होती है कि आपको वो मोबिलिटी देते हैं। तो बेसिकली आप हर सेमेस्टर मैक्सिमम 4 जगह पे कर सकते हो, मतलब 4 सेमेस्टर्स 4 मोबिलिटीज, और जो है मिनिमम आप करना चाहो तो आप 2 में कर सकते हो। मिनिमम आपके लिए 2 होता है। वो आपको हर कंट्री की लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो बेसिकली मैं कम से कम 4 लैंग्वेजेस, यूरोपियन लैंग्वेजेस तो बोलता ही हूँ थोड़ी बहुत। जर्मन तो मैंने खैर बाद में सीखी है, इसलिए जब स्विट्जरलैंड मूव हो, लेकिन सबसे अच्छी अब मेरी जर्मन है। बाकी स्पेनिश हो गई, फिनिश हो गई, नॉर्वेजियन हो गई, थोड़ी बहुत फ्रेंच बोल लेता हूँ, और पोर्टुगीज थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस वगैरह तो आप सीख ही लेते हो। लेकिन तो जब मैं फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करने गया तो उन्होंने तो मुझे उसी वक्त दे दिया। तब मुझे बेसिकली आपको कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं दिखानी होती ना। तो जब मैं उससे जाके मिला था वीज़ा ऑफिसर से, तो उसने मुझे बोला कि भाई तुम्हारी स्कॉलरशिप तो बहुत अच्छी है और यू विल लिव लाइक अ किंग। मैंने कहा अच्छा चलो सही है। तो कितने यूरोस की थी? आई बिलीव 42,000 यूरोस की थी एज एन ओवरऑल। एग्जैक्टली 42,000 यूरोस इसकी टोटल ओवरऑल होती है। लेकिन उसके अंदर नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपनी फीस का एक पोर्शन काट लेती हैं। तो आपको तकरीबन 1,000 से लेके 1,500 यूरो पर मंथ तक मिलते हैं। अगर मतलब आप आके पढ़ो भी, हमसे पैसे भी, हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे और आपको सब कुछ रखने के लिए, घूमने फिरने के लिए वो भी पैसे देंगे। एग्जैक्टली तो ये तुम्हारी पिक्चर चला रहा हूँ जिसमें पूरे यूरोप में तुम घूमते रहे हो। मैं खास तुम्हारा शौक भी घूमने फिरने का है, तो यही लग रहा है कि तुमने जो 1,000-1,500 यूरो स्पेंड किए हैं वो कहाँ किए हैं? तो यार असल में उस टाइम के ऊपर जब नए नए पाकिस्तान से गए थे तो मैं बता रहा था मेरी मेन मोटिवेशन तो ये थी कि पूरी दुनिया घूमनी है बैठ के। तो मैं पूरी दुनिया बेसिकली बैठ के उस वक्त घूमता था और बस यही चलता रहता था, कभी एक मुल्क से कभी दूसरे मुल्क। वो आपको खुद फोर्स भी कर रहे होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में इंटीग्रेट करो। तो बड़ा अच्छा टाइम उस टाइम पे गुजरा। पढ़ाई भी हो जाती थी, लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली मुझे जाके अंदाजा हुआ कि एनईडी के अंदर हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर बड़ा ब्लंडर हो गया। जैसे मुझे आइडिया ही नहीं था कि जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, आई डोंट नो, मुझे नाम भी नहीं याद है उन सर का। बड़े अच्छे से प्यारे से सर होते थे और उस जगह हम बड़े खुश होते थे कि यार कितने अच्छे हमारे सर हैं और अच्छे से हमें नंबर भी दे देते हैं और अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, कोई टेंशन नहीं देते। लेकिन जो मेरा दिमाग खराब हुआ है जब मैंने मास्टर्स करना शुरू किया है, भाई वो जिस लेवल से हमें स्टार्ट करते हैं हम उस लेवल से 2-3 लेवल पीछे भी नहीं थे। हम बेसिकली ऐसा लग रहा था कि कोई हाई स्कूल स्टूडेंट को बिठा दिया है किसी मास्टर्स क्लास में। तो कुछ ऐसे भी मतलब सेमेस्टर गुजरे हैं जिसके अंदर मैंने पूरी रात बैठ के, हर दिन पूरी रात बैठ के पढ़ाई की है। इसलिए कि आपकी बड़ी हालत खराब हो जाती है जब आपको पता चलेगा यार अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर रह गए तो ये आपकी स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे। और आपको पता है ये स्कॉलरशिप आपको बेसिकली अलाउ कर रही है कि आप घूमो फिरो, आप यूरोप में रहो। तो बड़ा टफ टाइम हो जाता है वो, फिर आपके सब कुछ आपकी जान पे बन जाती है। तो फिर मैं पढ़ाई कर रहा था, ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल था लेकिन पढ़ना पड़ रहा था। वहाँ पे कितनी जीपीए मेंटेन की? यार वहाँ पे क्या सिस्टम है? वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपकी 80% से कम होगी तो वो आपकी स्कॉलरशिप रोक देंगे। ओके, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। क्या ना करता, सिर्फ पढ़ता। मसला यही है। मतलब यहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिसके अंदर आपको जीपी लेना बड़ा आसान होती थी, जैसे स्पेन हो गया। उस स्पेन के अंदर जीपी लेना बहुत, ठंड में आप जीपी लेते हो, सारे स्पेनिश लोग खेल रहे होते हैं, खेल कूद कर रहे होते हैं, हर रोज वो लोग जो है बाहर पार्टी कर रहे होते हैं, इस तरह मजे कर रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो स्पेन में मैं ग्रानाडा, अच्छा पहला सेमेस्टर मेरा था फिनलैंड में, दूसरा सेमेस्टर मेरा था स्पेन के अंदर। स्पेन में मैं था ग्रनादा के अंदर, ग्रनादा। तो ग्रनादा के बारे में हम इतना सुनते थे, अलहमरा, वहां पे सब कुछ, रहने का मुझे मौका मिला वहां पे, अलहमरा को कई बार देखा। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फिनलैंड गया था तो मुझे बोलना ही नहीं आता था, मुझे यही समझ में नहीं आती थी कि लोगों से इंटरेक्शन कैसे करनी है, मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब मैं स्पेन गया, मूव हुआ, तो फिर थोड़ा सा ज्यादा कम्युनिकेशन शुरू हुई मेरी, और वो भी एक डिफरेंट लैंग्वेज में शुरू हो गई, इसलिए कि वहाँ पे कोई स्पेनिश के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। अगर आप अंदालुसियन रीजन के अंदर हो तो वो स्पेनिश ही समझते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिससे थोड़ा सा ओपन अप होना शुरू हुआ। इससे पहले कभी कोई, मैं किसी गैदरिंग में बैठा होता था किसी एरास्मस मुंडस की, तो लोग मुझसे पूछते थे ओके वेयर आर यू फ्रॉम, मैं कहता था पाकिस्तान, लोग कहता था That's it. No discussion after that. ना मुझे समझ में आता था मैं उनसे क्या पूछूं, ना उनको समझ में आता था कि वो मुझसे क्या पूछें, कोई टॉपिक ही नहीं होता था। तो ये टॉपिक जो है वो फिर आना तब शुरू हुए जब मैंने थोड़ा सा ज्यादा दुनिया घूमना शुरू करी, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोरेशन शुरू हुई, लोगों के मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ। तो उस टाइम पे भी कम से कम मुझे एक चीज पता होती थी कि जो भी लड़का मुझे जिस भी कंट्री का मिलता था मैं उससे कहता था अच्छा तुम इस यूनिवर्सिटी से हो क्या, वो कहता था अच्छा तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता। मैंने कहा यार वो बस मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी कि मुझे पूरे यूरोप की हर यूनिवर्सिटी के बारे में पता होता था कि कौन से मुल्क की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की है। तो ये रहा थर्ड सेम। फिर मैं गया था जर्मनी हाइडेलबर्ग के अंदर, वहाँ पे एक इंटर्नशिप थी 3-4 महीने की, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे जिस प्रोफेसर के साथ मैंने काम किया था वो पूरे जर्मन एरिया के अंदर कंप्यूटर विजन और मशीन इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के अंदर उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती थी। तो काफ़ी फेमस प्रोफेसर था, तकरीबन 80-85 साल का होगा, मैं शायद मुश्किल से उससे एक बार मिलाऊंगा। लेकिन इस तरह के लोगों के साथ काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे लेके आप काफ़ी कुछ सीख लेते हो। चलो आगे मूव ऑन करते हैं कासिम इस पे, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन भी जरा लिमिटेड है, तो उसके आपसे चलेंगे। तो ये तुमने काफ़ी अच्छी डिटेल बताई है कि डिफरेंट रीजन में तुमने पढ़ा है, फिनलैंड में भी पढ़ा है, जर्मनी में भी पढ़ा है, स्पेन में भी पढ़ा है। आगे तुमने फिर पीएचडी के लिए स्विट्जरलैंड को चूज किया, ETH को तुमने जब अप्लाई किया, तो ये ट्रांजिशन कैसी रही तुम्हारी? स्मूथली तुम, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो स्मूथली तुम्हें पीएचडी में एक्सेप्टेबिलिटी मिली, या फिर उसमें भी तुम्हें मतलब प्रॉब्लम हुई, या क्या स्टोरी है इसके बारे में? यार हुआ ये कि जब मेरा फाइनल थीसिस था मास्टर्स का, तो उस टाइम पे मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ या मुख्तलिफ जो भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको ढूंढ रहा था। तो उस टाइम पे मास्टर थीसिस मुझे ETH ज़्यूरिख के अंदर एक प्रोफेसर था, उसके साथ काम करने का मौका मिला। वो समझो मेरा फर्स्ट रियल मेंटर टाइप का बंदा था, इसलिए कि उसने मुझे सिखाया कि मैटलैब के ऊपर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। इमेज प्रोसेसिंग जितनी मैंने करी वो समझो उसने मुझे सिखाई। तो बड़ा वैसे मैं बताऊं, मैटलैब NED में खास से कोई ना कोई कोर्स तो नहीं होता, लेकिन बच्चे कर रहे होते हैं। यार की नहीं थी वो अलग बात है, मुझे पता है वो कर रहे होते हैं। हमारा जो बेसिकली वो था क्या नाम है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसके अंदर मैटलैब की प्रोग्रामिंग हुई थी। लेकिन वो जो प्रोग्रामिंग होती है और जो प्रोग्रामिंग बाद में आप करने लगते हो ना मास्टर्स के अंदर, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। आप उसके अंदर बेसिकली नए एल्गोरिथम्स डेवलप कर रहे होते हो जब आप मास्टर्स के अंदर काम कर रहे होते हो। NED के अंदर तो यार मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, उसके अंदर आपको मैटलैब की जरूरत भी नहीं होती, आप वही काम एक्सेल के ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन आप फिर भी सोचते हो यार चलो मैं मैटलैब के ऊपर कर लेता हूँ। तो खैर तो मैं ऑलरेडी फिर ETH ज़्यूरिख के अंदर था, तो मुझे आइडिया हो चुका था कि यार ETH ज़्यूरिख के अंदर कितना जो है कितनी फैसिलिटीज मौजूद हैं और मतलब ज़्यूरिख कैसा शहर है, हर चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी उस टाइम के ऊपर। सबसे जो बड़ा मुझे प्रॉब्लम लग रही थी वो ये लग रही थी कि यार ETH ज़्यूरिख के अंदर मुझे PhD में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसे लेके वो फुल कंपेटिटिव है, वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर वो नंबर 6 के ऊपर है और कॉन्टिनेंटल यूरोप के अंदर बेसिकली नंबर 1 के ऊपर है। हुआ यह कि मास्टर थीसिस में मैं इतना ज़्यादा बिजी रहा कि मैं इस PhD के अंदर अप्लाई करने के अंदर ही मुझे देर हो गई थी। तो अचानक से मुझे ख्याल आया कि यार अब तो मेरे पास सिर्फ 1.5-2 महीने बचे हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे PhD तो मिल नहीं रहा। तो मैंने पूरे यूरोप के, इससे पहले मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो फिर मैंने 3-4 यूनिवर्सिटीज के अंदर फ्रांस जर्मनी इधर उधर अप्लाई करके देखा कि यार चलो मैं अप्लाई करूं। अब जहां जहां मैं अप्लाई करूं वो मुझे ETH ज़्यूरिख का नाम सुने और एक्सेप्ट कर लें। मैंने कहा अच्छा ये ऐसी बात है, तो फिर तो मुझे ETH का वेट करना चाहिए कि वो लोग मुझे PhD के अंदर एडमिशन दे दें। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था एक जगह, लेकिन वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आखिरकार तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद एक प्रोफेसर था, उसने मुझे बुलाया कि आजो भाई तुमने अप्लाई किया था तो आजो उधर आप मिल लो, आके मुलाकात कर लो। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैं तो सामने वाली बिल्डिंग में हूँ, मैं आ जाऊंगा किसी भी टाइम। मैं उसके पास गया, उसने मुझसे कोई सवाल कुछ नहीं पूछा। ये मेरा PhD का बेसिकली जो है ना समझो सिलेक्शन हो रही है, कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा कि कहाँ पे काम करते हो, मैंने बोला सामने वाली बिल्डिंग में काम करता हूँ, इस प्रोफेसर के साथ काम करता हूँ। उसने कहा सही है, ये तो बड़ा अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है वो, अच्छा। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें PhD ऑफर करूंगा तो तुम ले लोगे, ये प्रोजेक्ट है। मैंने कहा ले लूंगा। तो कहने लगा आओ सही है तुम्हें लैब दिखाऊं। उसने मुझे पूरी लैब मेंबर से मिलवा दिया इसके बाद कि ये हमारा नया PhD स्टूडेंट आ रहा है, बस दैट्स इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने ऑलरेडी ऑब्वियसली मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली होगी। उसने जो मेरा जिस प्रोफेसर के साथ मैं ETH में काम कर रहा था ऑलरेडी मास्टर थीसिस, उससे उसने पूछा होगा सारी चीजें। लेकिन अगर एक जगह पे आप ऑलरेडी मौजूद हो ना फिजिकली, तो वहां से फिर मूव करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी फिर यही हुआ था कि वहां से फिर जो मूवमेंट थी वो बड़ी आसानी से हो गई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। PhD कंप्लीट हुई, 5 साल लगे। मैं नहीं जाना चाह रहा इसकी डिटेल में। हाउ वाज इट ट्रांजिशन फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका? अभी तुमने जिक्र किया कि भाई टॉप 6 यूनिवर्सिटी थी यूरोप की, फिर उसके बाद नंबर 1 रैंक्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज अ मिरेकल या इट वाज अ स्मूथ ट्रांजिशन? यार मसला ये है कि जब आप टॉप 10 के अंदर पहुंच जाओ ना तो फिर आपको ये फर्क इतना ज्यादा पता नहीं लगता, मतलब जो ट्रांजिशन के अफेक्ट है ना वो आपके ऊपर नहीं फील होते। इससे लेके ETH ज़्यूरिख टॉप 6 मतलब 6 नंबर पे थी, टॉप 10 में ऑलरेडी थी। तो वहां से जब आप MIT मूव हो तो मतलब इट साउंड्स गुड, खासतौर पे हम लोगों को जो पाकिस्तान वगैरह से आ रहे होते हैं जिन्होंने ETH ज़्यूरिख का नाम ही कभी नहीं सुना होता, तो वहां या बहुत कम सुना होता है लेट्स से, तो उसकी जो रिकग्निशन है वो इतनी ज्यादा पाकिस्तान में फील नहीं हो रही होती। तो इसलिए आपको MIT बड़ा अच्छा लगता है कि यार हाँ अब मैं MIT मूव हो रहा हूँ जिसका मैंने बचपन से नाम सुना है। तो लेकिन अदरवाइज जो फैसिलिटीज के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से तो दोनों में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ऑब्वियसली कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा फर्क है, जैसे जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है वो MIT में बहुत ज्यादा है, और ये बेसिकली मेरे ख्याल से एक कल्चरल ट्रेंड है जो बेसिकली जिसका यूरोप और US के अंदर फर्क है रादर देन यूनिवर्सिटीज के दरमियान कोई डिफरेंस हो। लेकिन अदरवाइज दोनों बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, हर तरह की आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, प्रोफेसर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, किसी चीज के अंदर आपको फंडिंग की कभी कोई इशू नहीं होता, कभी आप सोचते भी नहीं हो कि यार ये फंडिंग या ये इक्विपमेंट या इस चीज का क्या होगा कैसे होगा, हर चीज खुद ब खुद मैनेज हो रही होती है, बहुत स्मूथली सब कुछ आपको करने की फ्रीडम होती है। तो ये बड़ा सिंपल रहा मेरे ख्याल से। इसलिए कि मैंने हार्वर्ड के अंदर बेसिकली तकरीबन 3-4 महीने की एक रिसर्च इंटर्नशिप करी थी, ये बात है 2013 की, तो अपने PhD के दौरान ही। तो उस दौरान मैंने कुछ कनेक्शंस वगैरह बनाए थे, लोगों से बातचीत वगैरह करी थी, वो काफ़ी अच्छे कनेक्शंस थे, कुछ पेपर पब्लिश हो गए थे उनके साथ। तो बाद में जब मैंने MIT के अंदर मैंने अपना पोस्ट डॉक बेसिकली सिर्फ और सिर्फ MIT में अप्लाई किया और कहीं अप्लाई नहीं किया। मैंने ये सोचा हुआ था कि मुझे अगर जाना है तो MIT जाना है, वरना पोस्ट डॉक करने का क्या फायदा, आप यार कहीं और चले जाओ कुछ और कर लो काम। तो मैंने सिर्फ MIT में पोस्ट डॉक अप्लाई किया। MIT में पोस्ट डॉक का जब डिसीजन आया तकरीबन 1 साल लगा उसके अंदर, जो प्रोफेसर जिसके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ MIT के अंदर उसके साथ मैं 1 साल तक कंटिन्यूसली राब्ते में रहा। मेरी उससे जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी। मैं MIT गया हुआ था बेसिकली 2014 के अंदर, तो 2015 के अंदर तो उस प्रोफेसर से मेरी मीटिंग जो है ना वो स्केड्यूल थी जिसके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ। उस वक्त मैं इसको बिल्कुल नहीं जानता था और वो भी मुझे बिल्कुल नहीं जानता था। मैं उसके पास गया, मैंने उससे बताया कि देखें आपने ये पेपर जो है वो लिखें और इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। मैंने उसे साफ साफ बताया, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, सही है, मतलब इतना बड़ा प्रोफेसर है कि मतलब ठीक ठाक वर्ल्ड के जो टॉप के लोग हैं ना उनके अंदर शामिल है, जिन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं। सॉरी, जिन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं। यार साइंटिस्ट तो मैं भी हूं, साइंटिस्ट तो मुझे भी कहते हैं ओके। लेकिन 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 ये समझ लो कि ये जो H इंडेक्स नॉर्मली एकेडेमिया के अंदर आप उसको H इंडेक्स से काउंट करते हो, तो ये जो अपनी फील्ड के अंदर ये टॉप के 10 लोगों में होगा। तो मैंने उसको जाके बताया कि क्या क्या चीजें वो गलत कर रहा है और उसको क्या क्या चीजें किस तरीके से सही करनी है, और उसने कहा सही है, ये तो तुम सही कह रहे हो। तो उसके बाद जो है डिस्कशन बड़ी अच्छी और बड़ी स्मूथ थी, इसलिए कि उसने कहा कि सही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो है तुम जब फारिग हो तो बताओ आ जाओ MIT। मैंने कहा सही है, मतलब as simple as that। वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं तुमसे करता हूँ कि तुम बेसिकली रिसर्च का भी काम कर रहे हो और नॉर्मली तुम्हारा जो काम है वो मशीन लर्निंग का है, डेटा साइंटिस्ट हो, तो ये लैब जो है इटसेल्फ इज इट लाइक अ वेरी स्टेट ऑफ आर्ट लैब जिसको एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन अगर डाटा पे सिर्फ कंप्यूटेशन है तो उस पे क्या सुपर कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हो या रेगुलर कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हो? और इसी तरह की सेम लैब जो तुम अपने काम कर रहे हो, क्या पाकिस्तान में सेम लैब इस तरह की डेवलप की जा सकती है विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट? यार असल में उसके अंदर 2-3 चीजें आ जाती हैं। पहली बात मैं किस लिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना चाह रहे हो कि भाई हाँ एक लेवल पे जाना है आपको, तो इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम उसको लेवल को मैच करें तो हम किस तरह से मैच कर सकें। स्पेसिफिकली तुम्हारी लैब का बताओ, क्योंकि मैं डेटाबेस कंप्यूटेशन है, ये मशीन लर्निंग की है, तो किस तरह की लैब है इटसेल्फ? यार असल में 2-3 चीजें हैं। जो हमारी लैब है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा वो है जो उसका एक्सपेरिमेंटल काम कर रहा होता है, इससे लेके हम लोग ह्यूमन सब्जेक्ट, मैंने बताया था कि मैं साइकेट्री से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ काम करता हूँ। तो जो एक एरिया है, जो एक पूरा पोर्शन है लैब का, वो बेसिकली उन लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा होता है। साइकेट्रिस्ट हमारे पास लैब में मौजूद है जो उनके साथ जो है सारा का सारा उनके एवेल्युएशन करेंगे और उनको बेसिकली आप उनसे डाटा कलेक्ट करते हो। डाटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उसके लिए जो इक्विपमेंट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत एक्सपेंसिव। तो वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास लैब के अंदर मौजूद हैं जिनसे हम वो सारे का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। fMRI होगा, MRI हो गया, ये सारे जो मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ हैं जिनके ज़रिए आप ब्रेन डाटा को रीड कर पाते हो। और उसके बाद वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो डाटा हो ना वो बड़ा यूनिक हो, इसलिए कि फिर आप मुख्तलिफ हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि काफी पुराना हो गया, अब ये स्टेट ऑफ द आर्ट तो नहीं रहा, लेकिन जिसके अंदर ये था कि आप अपनी आंखें बंद करो, आप सिर्फ ब्रेन से सोचो कि आप किसी फल को देख रहे हो या किसी वेजिटेबल को, तो आपके ब्रेन को स्कैन करके हम बता देंगे कि आप किस चीज को देख रहे हो, सही है, या आप किसी इंसान को देख रहे हो या आप किसी कार को देख रहे हो, तो आपके ब्रेन को स्कैन करके हम ये बता देंगे कि आप क्या देख रहे हो। मुश्किल काम नहीं है, देखने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन जब आप करने बैठो ना तो इसको बड़ा सिंपल सा काम है। तो इस तरह के कामों के अंदर जो ये इस तरह के हाइपोथेसिस जब आप टेस्ट कर रहे हैं ना, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स, तो आपको फिर डाटा खुद से कलेक्ट करना पड़ता है। जो डाटा आपके पास पब्लिकली अवेलेबल या दुनिया भर में लोग उसको शेयर कर रहे होते हैं वो बहुत लिमिटेड हद तक होता है, जिसके ऊपर बहुत सारा काम ऑलरेडी हो चुका होता है। तो आपके पास उसके अंदर नई चीजें निकालना, नए साइंटिफिक क्वेश्चंस निकालना, वो एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज के हिसाब से अब जो मशीन लर्निंग के मुख्तलिफ अलगोरिथम्स में रन कर रहा होता हूँ, वो रन करते हुए मुझे मतलब मैं उसको पहली बात तो क्लस्टर्स के अंदर रन करता हूँ। अब क्लस्टर्स को मैं ऐसे समझाऊंगा कि MIT के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने तकरीबन 1000 से 2000 कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, सही है। और वो सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स बेसिकली नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं है, वो बाकायदा GPU बेस्ड कंप्यूटर्स हैं, सही है, कि फुल हाई प्रोसेसिंग यूनिट्स। अब उन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स को जब उन्होंने क्लस्टर्स के को कनेक्ट करके उन्होंने एक क्लस्टर बना दिया, तो अब अगर किसी को भी कोई चीज रन करनी है ना, वो अपने कंप्यूटर पर रन नहीं करता, वो पहले उसको उधर भेजता है, उसको उधर प्रोसेस करता है सारा का सारा, और उस प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट अपने पास लेता है। इसके बावजूद, इतनी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होने के बावजूद, मेरे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं और बहुत सारे कंप्यूटेशनल मेरा काम है जो मुझे मैं 2-3 हफ्ते उसको रन कर रहा हूँ। तो अगर आप उसको नॉर्मल कंप्यूटर पे रन करने बैठो तो आप बेसिकली उसको सिर्फ शुरू करोगे, उसके बाद वो 1 साल बाद खत्म होगा। तो ये एक बड़ा मसला है। तो इस तरह के रिसोर्सेज ऑब्वियसली आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ये रिसोर्सेज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपके पास ये मौजूद हो। ठीक है कासिम। अच्छा कासिम, आज हम एक लाइव कॉलर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो मेरे साथ एनईडी के एलुमनाई हैं दानिश, सईद मोहम्मद दानिश, मैं उनको लाइव लेता हूं रिलेटेड टू जो हमने अभी तक बात की है, और फिर आगे उनसे सवाल लेके फिर आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दानिश। जी वालेकुम अस्सलाम। दानिश प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी कासिम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें कासिम, वंडरफुल यू नो listening to both you and Asad, it gives me goosebumps, you know. Hamari fellow Indians, they are at respectable positions all over the world. That's really nice to know. अच्छा ये बताइए, is it possible कि being in MIT, you can sponsor some of our fellow Indians for a PhD, you know, pass on the torch, relay race के अंदर let's move forward. MIT के अंदर जो PhD का एडमिशन सिस्टम है वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ETH ज़्यूरिख के अंदर मेरा एडमिशन कैसे हुआ, वो बेसिकली मैंने सिर्फ प्रोफेसर से बात करी थी और प्रोफेसर ने मुझे बोला कि सही है आ जाओ। MIT के अंदर जो सिस्टम है वो इस तरीके से नहीं है। उसके अंदर जब आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले एक एडमिशन ऑफिस बना हुआ है, सारी की सारी एप्लीकेशंस उधर जाएंगी, वहां से फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद वो प्रोफेसर्स के पास आएंगी कि वो उसको सेलेक्ट कर सकें। लेकिन अगर फर्स्ट स्क्रीनिंग से पास नहीं होंगी तो उसको दुनिया का कोई भी प्रोफेसर बेसिकली एडमिशन नहीं करा सकता। और मैं ऐसे केसेस जानता हूँ। जो लड़का जो है वो प्रोफेसर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और प्रोफेसर उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड था, लेकिन इन दी एंड जो एडमिशन ऑफिस था उसने आगे फॉरवर्ड ही नहीं करी। तो ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको आप फॉलो कर रहे होते हो। तो MIT के अंदर ये वाला प्रोसीजर इस तरीके से है कि आपको हर सूरत PhD एडमिशन के लिए आपको एडमिशन कमेटी से गुजरना है, और एडमिशन कमेटी का उनका बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होता है। तो इस चक्कर में वो बेसिकली आप प्रोफेसर तक पहुंच ही नहीं पाते। ऑब्वियसली अगर आप प्रोफेसर तक पहुंच जाओ तो फिर आप बहुत सारे बात कर सकते हो, आप बहुत हेल्प कर सकते हो। तो नॉर्मली दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि आप एक इंटर्नशिप कर लो और आप अपनी प्रोफाइल को इतना ज्यादा बेहतर कर लो कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन हो जाए। तो ये वाला जो चीज है उसके अंदर तो शायद थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती हो, इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। लेकिन PhD जो फुल फ्लैश PhD एडमिशन है उसके अंदर मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी MIT के अंदर डायरेक्टली आपके हाथ में होता ही नहीं है कुछ। ठीक है, थैंक यू कासिम। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा, और काफी तुम न्यूज में भी आते रहे इससे रिलेटेड, और बहुत सारे लोग इसके बारे में आजकल बात भी कर रहे हैं और डिस्कशन भी कर रहे हैं, काफी इम्पैक्टफुल है, टॉकिंग अबाउट द पेंडेमिक। तो एक वीडियो पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। है जिसके अंदर हम लोगों ने भी यही आइडेंटिफाई किया कि वेदर कितना ही ज़्यादा गर्म क्यों ना हो और हवा में नमी का तनासुब कितना ही ज़्यादा या कम क्यों ना हो, कोरोना फैलेगा, क्योंकि इसके अंदर एयरबॉर्न नेचर मौजूद है। तो इस वजह से ह्यूमिडिटी का इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमने अपने डाटा के अंदर दुनिया के जितने ममालिक हैं उन सब का हमने तजिया किया, और उसके बाद हमें ये मालूम हुआ कि कोरोना हर वेदर में फैलता है, लेकिन क्योंकि हम मुकाबला कर रहे हैं कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के मुकाबले में जब मुकाबला किया जाएगा तो फिर हमें ये पता चला कि जो गर्म और जहाँ पे हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता है वो वाले इलाके उनमें कोरोना जो है कम फैलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि गर्म मुल्कों में कोरोना की वबा नहीं होगी। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा केसेस हुए, अब तो वहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, लेकिन हमने ये भी देखा कि मलेशिया के अंदर एक गैदरिंग से, सिर्फ एक इज्तिमा से तकरीबन 1000 के करीब वहाँ पे केसेस आए। कासिम बुखारी साहब ये भी बताएगा कि अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के ओहदेदार ने साइंसदानों के तजर्बात की बिना पर दावा किया है कि कोरोना वायरस सूरज की शुआओं यानी अल्ट्रावायलेट रेस से निस्बतन जल्द खत्म हो जाता है, जिससे ये तासुर कायम होता है कि अगर किसी की छींक, खांसी या बात करने से कोरोना फजा में आ जाए और अल्ट्रावायलेट रेज मौजूद हो तो वो जल्द खत्म हो जाएगा। ये आपकी तहकीक से काफी मिलता है। ये कहना मेरे ख्याल से गलत होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज अगर ज्यादा हैं तो कोरोना अचानक से ख़त्म हो जाएगा, और मेरे ख्याल से होमलैंड सिक्योरिटी के जो अहदेदार हैं उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं की। उनके कहने का मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ पे उसकी जो लाइफ है वो कम अरसे के लिए होगी। तो मैं आपको उसकी एक मिसाल ऐसे दूं कि अगर एक सरफेस है जिसके ऊपर कोरोना वायरस मौजूद है तो हो सकता है वो सरफेस जब ठंडे और सर्द इलाके में मौजूद हो तो वहाँ पे कोरोना वायरस 72 घंटे तक जिंदा रह सके, लेकिन जब आप उसको एक गर्म इलाके में ले आएँ और फॉर एग्जांपल आप उसको एक हाई अल्ट्रावायलेट रेज वाले इलाके में और हाई ह्यूमिडिटी वाले इलाके में लेके चले जाएं तो हो सकता है उस सरफेस के ऊपर जो वायरस है वो कुछ घंटों के अंदर मर जाए, लेकिन उन कुछ घंटों के अंदर भी वो किसी दूसरे इंसान को लग सकता है। कासिम साहब, अमेरिका में सबसे ज्यादा बात हुई है और ये तादाद 55,000 के करीब पहुंच गई है, तो ये बताएगा कि आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या इकदाम करना चाहिए, क्योंकि कोरोना अगर बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज भी हो या नमी का तनासब बहुत बढ़ भी जाए तब भी जो कोरोना के मरीज हैं उनसे बीमारी तो फैलने का इम्कान बाकी रहेगा। कोरोना से बचने का एक ही तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं और हम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, इसलिए कि जितना ज़्यादा हम घर से बाहर निकलेंगे उतनी ज़्यादा ये वबा हम लोगों को एक दूसरे से लगेगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चाहे मौसम कितना ही गर्म क्यों ना हो जाए ये वबा तब भी फैलेगी, और इसको चाहे कितनी ही अल्ट्रावायलेट रेज कितनी ही ज़्यादा क्यों ना मौजूद हो तब भी ये वबा एक दूसरे को लगेगी। ये थ्योरी तुमने पब्लिश की, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, टाइम्स ऑफ अमेरिका में आया और बहुत सारे और पब्लिकेशंस आई, तुम्हारी अपनी भी पर्सनल पब्लिकेशंस में। क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बार बार कह रहे थे कि भाई गर्मियाँ आएंगी और ये सब खत्म हो जाएगा, एक बार तो इमरान खान ने भी ये कहा था कि गर्मी आएगी ये सब खत्म हो जाएगा। कि तुम्हारी रिसर्च के बेस पे ये लोग कह रहे थे या तुम्हें लगता है कि पहले से ही इस तरह की कोई बातें थी सुने सुनाई उससे कर रहे थे? यार असल में ये लोग पहले से ये वाली बातें कर रहे थे और इनके पास कोई बेसिकली साइंटिफिक प्रूफ इनके पास नहीं था। ये लोग जो कह रहे थे, खासतौर पर जो ट्रम्प कह रहा था, वो ये उस पर कह रहा था कि जो फ्लू वायरसेज होते हैं वो नॉर्मली उनके अंदर एक साइकिल होती है कि आप गर्मियों में वो कम फैलते हैं और सर्दियों में वो ज्यादा फैलते हैं। तो उन बेसिस के ऊपर वो ये कह रहा था तो इनिशियली, और ये उसने मेरे ख्याल से फरवरी के अंदर बात करी थी। जब हम लोगों ने इसके ऊपर एनालिसिस, फर्स्ट एनालिसिस किया था तो वो किया था मार्च के अंदर, और मार्च के अंदर हम लोगों ने बेसिकली सारा डाटा बेस्ड एनालिसिस था तो उसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने ये पैटर्न देखा था कि जो गर्म ममालिक हैं उसके अंदर और गर्म और उसको आप ये भी कह लो कि उसके अंदर हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होना चाहिए। तो गर्म और क्या कहलाता है यार, हाई ह्यूमिडिटी एरियाज, तो वहां पे जो उसकी निस्बतन शरह थी वो काफी कम थी। और वो सिर्फ एक आध कंट्री के अंदर नहीं था बल्कि मुसलसल आप इतने कंट्रीज को उठा सकते हो एग्जाम्पल के बस। तो इवन ऐसे कंट्रीज भी थे जो इनका चाइना से बहुत करीबी ताल्लुक था, चाइना से ज्योग्राफिकली बहुत करीब थे और ज्यादा अच्छा उनके पास हेल्थ केयर सिस्टम भी नहीं था, स्टिल उनके पास जो है इतनी ज्यादा वबा नहीं फैली। तो उन सारी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने एक थ्योरी ये पेश करी थी उस टाइम पे, ये एक्चुअली थ्योरी थी कि ऐसा हो सकता है कि जो वायरस हो उसके ऊपर एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिलेटेड एक इफेक्ट मौजूद हो उसके अंदर, सिर्फ मतलब बेसिकली ये एक थ्योरी थी। तो क्योंकि ये थ्योरी बेसिकली हमने थोड़े से ज्यादा हॉट टॉपिक के ऊपर कर दी थी इसलिए, वरना ये समझो ऐसा काम है कि मैंने एक वीकेंड के ऊपर बैठ के कर लिया था, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम मैंने जिंदगी भर किया है, ये मेरा सबसे सिंपलेस्ट तरीन काम था। तो अब उसके ऊपर जो है क्योंकि वो हॉट टॉपिक था तो इन लोगों ने सबने उसको जो है उठाना शुरू कर दिया, खासतौर पे इस वजह से कि जो पॉलिटिशियंस थे वो भी इसके बारे में काफी कुछ बात कर चुके थे। तो एक जमाने में मेरा एक ख्वाब था, ड्रीम था कि यार फोर्ब्स वाले मेरे बारे में लिखें, लो भाई फोर्ब्स में भी आ गए, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आ गए, टाइम मैगजीन में आ गए। टाइम मैगजीन के बारे में मैं सोचता था यार टाइम मैगजीन में आना चाहिए, टाइम मैगजीन में भी आ गए। तो मतलब दुनिया की जिस न्यूज कवरेज को मैं सोचूं उसने बेसिकली इस चीज को कवर करना शुरू किया था, मेरे नाम के साथ उन्होंने कवर किया। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये सब मतलब अल्लाह ने देना था तो इसलिए हो गया, वरना काम तो बड़ा सिंपल था यार। और बाद में अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे काम बड़ा रिस्की था इसलिए कि आपको ये नहीं पता था कि वाकई इसका कोई इफेक्ट निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। हम लोग सिर्फ डाटा की बेस के ऊपर एक हाइपोथेसिस पेश कर रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो तकरीबन मई के एंड के अंदर ये चीज़ कंफर्म हो गई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, इसलिए कि इस तरह की चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कंफर्म कर सकते हो अगर आप लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करो कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, जिसके अंदर आप ये देखो कि जब आप वायरस के ऊपर मुख्तलिफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसके बाद उसके ऊपर कितनी उसकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ को उन लोगों ने टेस्ट किया, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ लैब्स के अंदर, वो पेपर भी पब्लिश हो चुका है, आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन ऑलरेडी। हम लोगों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसलिए कि हम लोग वेट लैब साइंटिस्ट नहीं है, हम लोग उस तरह का बायोलॉजिकल लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली उन लोगों ने पब्लिश कराया काफ़ी अच्छे मशहूर और मारूफ जर्नल के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने शो किया कि इसके ऊपर एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिलेटेड इफेक्ट है। ये चीज उस बात से भी कंफर्म होती है कि अभी जो कोरोना वायरस आया हुआ है बेसिकली उसको हम SARS-CoV-2 कहते हैं, तो इससे पहले एक कोरोना वायरस 1 भी आया था और उसका भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रिलेटेड इफेक्ट था। तो इट्स लाइक ये कोई ऐसा अनहोखी चीज नहीं है कि इसके ऊपर एक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रिलेटेड इफेक्ट जो लोगों को फाइंड हो रहा है। लेकिन इससे अगर नतीजा अखज़ करें, इससे जो थ्योरी तुमने पेश की जो बाद में वेट भी हुई, इसको अगर मैं कंपेयर करूं कराची से, कराची का मौसम हॉट भी है आजकल और ह्यूमिडिटी तो होती ही होती है, लेकिन हम देख रहे हैं केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बजाय इससे कि हमें कुछ हेल्प मिले अल्लाह ताला की तरफ से कि भाई गर्मी भी हो गई है और ह्यूमिडिटी भी हो गई है और इस मरतबा तो बिल्कुल शदीद तरीन किस्म की गर्मी पड़ रही है आजकल, उसके बावजूद भी केसेस आर ऑन द राइज। स्पेसिफिकली मैं कराची की बात करूं अगर सही, तो इसमें तुम क्या कहोगे एज अ साइंटिस्ट? नहीं वो सही कह रहे हो बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह भी है इसलिए कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक सिटी को आप बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर नहीं देख सकते, खासतौर पे कराची के अंदर जिस तरीके से लोगों ने लॉकडाउन का मजाक उड़ाया कि बेसिकली होता यह था कि अगर आपको कोई चीज कहीं जाना है और लॉकडाउन हुआ हुआ है आप बेसिकली घूम के उसी जगह पे चले जाओ आप पहुंच जाओगे। मतलब लोग अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, हर एक से मिल रहे हैं, कोई मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस तो ले ही नहीं रहे। उसके बाद हमारे पास फिर ईद भी आ गई, सबने मिलना मिलाना किया, हमारे अपने घर वाले काफी मिलते रहे। तो इस तरह की जो जब एक्टिविटीज जारी रहेंगी तो स्प्रेड तो होगा, फिर उसको आप किसी तरीके से रोक नहीं सकते। इसलिए कि इसका जो आपको एक ही, इसलिए कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का अगर कोई अफेक्ट, अब तो साबित हो गया, खैर तो अफेक्ट तो मौजूद है, तो अफेक्ट जो है वो सिर्फ एक लिमिटेड हद तक है। वो इतना है कि आप अगर एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है तो वो कम हो जाती है, लेकिन जो सरफेसेस हैं जिनके ऊपर आप हाथ लगा रहे हो ऑब्वियसली उसके थ्रू आपके पास ट्रांसमिशन होगी, जिनसे आप गले मिल रहे हो उसके थ्रू ट्रांसमिशन होगी, कोई आपके ऊपर सांस देगा उससे ट्रांसमिशन होगी। तो इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिससे ट्रांसमिशन स्टिल कंटिन्यू हो रही है, और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी परहैप्स बिल्कुल खत्म नहीं होती है, एक हद तक मिनिमाइज्ड होती है। तो खुदा ना खास्ता अगर हमारे पास ऐसा अफेक्ट नहीं होता और हमारे पास जो वेदर सिचुएशन है वो न्यूयॉर्क या इटली जैसी होती, तो हमारी हालत तो न्यूयॉर्क इटली से भी खराब होनी थी। इसलिए कि हम लोगों ने तो कोई प्रिकॉशंस ही नहीं लिया, हमने तो लिटरली कोई प्रिकॉशंस नहीं लिया, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो कराची की कितनी ज्यादा है, इटली के मुकाबले में कितनी ज्यादा है, तो कितने लोगों को अफेक्ट होना था और कितनी अम्मात होनी थी। तो हम लोग उस लिहाज से देखा जाए तो स्टेटिस्टिकली तो काफी सही रहे हैं, खासतौर पर जितने हम लोग मतलब केयरलेस रहे हैं उसके मुकाबले में तो काफी हमारा बेहतर हाल रहा है। ठीक है, ठीक है कासिम, कुछ सवालात लेते हैं, और हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में भी। तो अभी हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन एंड आंसर हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखें, तो हम उसको बारी बारी लेंगे। तो पहला सवाल मैं लेता हूँ टुवर्ड्स द एंडिंग के, इंजीनियर आमना पूछ रही हैं, इज न्यूरो साइंस समवट रिलेटेड टू व्हाट यू स्टडीड एट एनईडी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जब हर चीज बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी हो चुकी है आजकल, तो न्यूरो साइंस के अंदर मैं जो काम करता हूँ उसको हम कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस कहते हैं। तो वो जो कंप्यूटेशनल का वर्ड आता है वो बेसिकली इसलिए आता है कि उसके अंदर जो मैं अगर किसी को अपने आप को डिफाइन करता हूँ कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंटिस्ट कहता हूँ, इसलिए कि मैं कंप्यूटेशनल काम करता हूँ। तो कंप्यूटेशनल काम से मतलब ये होता है कि मैं उसके ऊपर बहुत सारी सिग्नल प्रोसेसिंग करता हूँ, उसके ऊपर बहुत सारी मशीन लर्निंग करता हूँ, बहुत सारी डाटा एनालिटिक्स करता हूँ। तो ये जो सारे काम है ये पूरे प्योर इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है। न्यूरो साइंस के अंदर जो सबसे बड़ा मसला था शुरू में, मतलब आज से समझे तकरीबन 25-30 साल पहले, वो ये था कि सिर्फ वहाँ पे जो मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशनल्स थे वो इस एरिए को कंटिन्यू करते थे। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें थी जो अनएक्सप्लोर्ड थी, इसलिए कि वो ऑब्वियसली वो डाटा एनालिटिक्स नहीं कर सकते, वो मशीन लर्निंग का काम नहीं कर सकते, वो सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो वो फिर जब से इंजीनियर्स इस फील्ड में आना शुरू हुए वो फिर इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। हम लोग बेसिकली मिलके एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शारिक अहमद रियाज साहब पूछ रहे हैं, व्हाट रिकमेंडेशन इंप्रूवमेंट यू सजेस्ट व्हेन यू कंपेयर एनईडी विद एमआईटी एंड शुड बी फोकस्ड एट एनईडी यूनिवर्सिटी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान एनईडी के लिए ख़ास तौर पे जो एक मॉडल जिसको फॉलो कर सकते हैं वो सबसे क्लोजेस्ट लम्स का मॉडल है। तो लम्स के अंदर उन्होंने सिर्फ ये किया है कि जो उनके कोर्सेज हैं वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट एंड अपडेटेड हैं। तो इस वजह से जब वो कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि कम से कम उनको नॉलेज जो मिल रही है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट मिल रही है। उसके लिए आपको ऑब्वियसली जो फैकल्टी होती है वो काफी सारी विजिटिंग फैकल्टी हायर करनी पड़ती है, जो आधा टाइम जो है बाहर स्पेंड करती हो और आधा टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड करती हो। इसलिए एक बार अगर आप पाकिस्तान परमानेंटली मूव हो जाओगे और आप रिसर्च नहीं कर रहे हो तो आप बेसिकली रिसर्च से आउट होना शुरू हो जाते हो, आपको नहीं पता होता कि आजकल क्या नई चीजें हो रही। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी, उन्होंने जो सॉफ्ट स्किल्स वगैरह के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर है वो बड़ा काम किया है लम्स के अंदर। और तीसरी चीज फिर उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के ऊपर बहुत काम किया। तो एनईडी के अंदर अगर इन चीजों के ऊपर काम किया जाए तो फिर ऑब्वियसली ये काफी इंप्रूवमेंट्स। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल ऐड कर दूं इसी चीज से रिलेटेड कि आप लोगों की कोई कोऑर्डिनेशन वगैरह भी करंटली आपकी पर्सनल लेवल पे है एनईडी यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोफेसर से, या हम लोग इसके तवज्जुह से कोई ब्रिज कर सकते हैं इसको? यार, मेरी सरोज साहब से काफी मुलाकात होती रहती है तो जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ सरोज डॉक्टर सरोज लोधी से जो है हमेशा मेरी मुलाकात होती है लाजमी, इसलिए कि मुझे लगता है कि वो एक बहुत वेल कनेक्टेड मतलब यूनिवर्सिटी अकेडेमिया के लिहाज से ना सिर्फ काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं, काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत बेहतरीन इंसान। तो उसके अलावा मेरी और तो किसी से बात नहीं हुई, और एक आध और प्रोफेसर हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका एनईडी के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक जिन्होंने एग्री टेक करके कुछ बनाया था साकिब बुखारी साहब, नहीं यार साकिब बुखारी साहब के साथ एक और काम कर रहे थे ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उनसे मेरी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी। वो काफ़ी अच्छे हैं, वो काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान बहुत कम आता हूँ तो मेरा इतना ज़्यादा जो इंट्रैक्शन है मेरी हो नहीं पाती। ऑलराइट, अच्छा एक फनी सवाल है, जहांगीर खान पूछ रहे हैं कासिम भाई ग्रेजुएशन के बाद अब तक कितना जाती खर्चा हुआ, सच सच बताओ। वैसे लगता तो ऐसा नहीं है कि अपना कोई खर्चा हुआ क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह पे ये सारी चीजें। एग्जैक्टली भाई नहीं हुआ, इसलिए कि ग्रेजुएशन के बाद से मुझे जब स्कॉलरशिप मिली थी मैं घर पे पैसे भेजता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और सारी की सारी जितनी ट्रेवलिंग होती थी वो सब करने के बाद उसके बावजूद मैं जो है मास्टर्स के दौरान ही पैसे भेज रहा था। और मास्टर्स के बाद तो फिर जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पीएचडी के अंदर, फिर तो आपको जो सैलरी होती है वो मास्टर्स से कई गुना ज्यादा मिल रही होती है, फिर तो बहुत ज्यादा आप हाथ भी बहुत खुला हो जाता है, तो उसके बाद से तो फिर मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो मुझे उन लोगों ने पैसे दिए भाई जहांगीर भाई, तो मुझे आज तक मैंने कोई मतलब खर्चा नहीं हुआ मेरा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद कंक्लूड करेंगे अपने सेशन को। दानिश फिर से सवाल कर रहे हैं, गैप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, व्हाट इज कासिम फीडबैक अबाउट दिस? यार ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो। वैसे इंडस्ट्री में तुम्हारा रोल रहा भी नहीं है तो तुम एकेडमिया टू एकेडमिया ही इसको ले चलो कि तुम अगर एकेडमी टू एकेडमी देखो, यूरोपियन तुमने डिफरेंट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में किया है, एनईडी में किया है, एमआईटी में किया है, ईटीएच किया है, तो इसको इसी पैटर्न पे देख लो। नहीं एक्चुअली एकेडमिया के अंदर होता यह है कि इंडस्ट्री के अंदर के यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर आप इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो। मेरे बे इंतहा प्रोजेक्ट्स हैं आईबीएम के साथ हैं, जब मैं मास्टर्स कर रहा था उस वक्त नोकिया वगैरह के साथ थे, फिनलैंड में नोकिया थी ना फिनलैंड में, हाँ नोकिया फिनलैंड। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी चल रही होती हैं, आपको पता होता है कि एकेडमिया के अंदर क्या हो, इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है जब आप एकेडमिया में होते हो, तो इसलिए कि आपके पास ट्रांजिशन बहुत आसान होता है। आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं वो बहुत सारे इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर आ रहे होते हैं। तो मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। असल में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च नहीं हो रही होती एकेडमिया के अंदर, तो क्योंकि रिसर्च नहीं हो रही होती तो जो ना एकेडमिया में हो रही होती है ना इंडस्ट्री के अंदर हो रही है। नहीं मैं इस पे कमेंट करूंगा, थोड़ा इंटरसेप्ट क्यों करूंगा क्योंकि मेरी अभी लास्ट जो सेशन हुआ था डॉक्टर रियाजुद्दीन से, तो काफ़ी मैं भी इसे समझता था कि शायद अभी तक रिसर्च में पाकिस्तान मतलब नई तरह एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन रिसेंटली आई थिंक जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो काफ़ी एक्टिवली डॉक्टर रियाजुद्दीन और इस तरह की टीम एनसीआरए लैब्स वगैरह काफ़ी एक्टिवली कर रहे हैं। नेवरदलेस ऑब्वियसली वो एकदम से इंटरनेशनल कंपैरिजन तो बिल्कुल करना सही भी नहीं होगा इसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिसर्च वर्क अब नहीं हो रहा है। स्पेसिफिकली एनईडी की बात करूँ तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है और वो अपना रिसर्च उसमें कर रहे हैं। चलो अगर हम ये मान भी लें कि एकेडमिया के अंदर रिसर्च हो रही है तब हम ये जानते हैं कि कम से कम इंडस्ट्री के अंदर तो रिसर्च नहीं हो रही, तो क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च नहीं हो रही तो वो गैप जो है वो मजीद जो बरकरार रहता है। इसलिए कि इंडस्ट्री के अंदर जो उनको स्किल सेट्स चाहिए होते हैं वो मतलब बड़े बेसिक से होते हैं, तो उसके अंदर वो आपको अपडेटेड कोर्स पढ़ाएं या ना पढ़ाएं डजंट मैटर, वो आपको रिसर्च करवाएं या ना करवाएं डजंट मैटर, इसलिए कि वो रिसर्च कर ही नहीं रहे। तो ये गैप बेसिकली वहां से जनरेट कर रहा है। जब इंडस्ट्रीज आपकी मैच्योर हो जाती हैं, वो R&D के ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं, तो फिर उनको उस तरह के टैलेंट की जरूरत होती है जो बेसिकली नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसलिए कि फिर उनको R&D रिसर्च के अंदर कोई बंदा चाहिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा हो, और जो एक नॉर्मल इवन अभी लेवल का बंदा कर भी नहीं सकता, फिर उनको मजीद चीजों को एक्सप्लोर करना होता है। तो ये एक फर्क है मेरे ख्याल से। तो अगर नॉर्मली सारी दुनिया के अंदर यही होता है कि एक ये जो पूरा का पूरा पिरामिड है वो कहीं जाके मिलता है, वो उस जगत मिलता है जब रिसर्च की तरफ से इंडस्ट्री की तरफ से फंडिंग आना शुरू होती है और इंडस्ट्री जो है R&D का काम शुरू कर देती है। तो जब इंडस्ट्री ये वाला काम शुरू कर देगी तो जो अकेडेमिया है वो भी मोटिवेट होके दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसके लोअर एंड के ऊपर होते हो तो इंडस्ट्री अलग जा रही होती है और जो अकेडेमिया होता है वो अलग जा रहा होता है। ठीक है कासिम, तो कासिम कंक्लूड करते सेशन को। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी लाइवली टॉक रही। स्पेसिफिकली मुझे काफ़ी मज़ा आया एरास्मस मुंडस की स्कॉलरशिप का, और देखा कि कैसे फ्री में तुमने पूरा यूरोप घूमा भी है और पढ़ा भी है, और पढ़ाई करने के पैसे मिल रहे थे। दैट वाज अनदर फन पार्ट ऑफ इट। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स कुछ देना चाहोगे, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करेंगे। यार कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो मेरे ख्याल से यही मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती, वो आपको बेसिकली अल्लाह ताला से दुआ करके ही मिलती हैं। तो वो जो आपकी किस्मत में लिखा होता है, जितना रिस्क वो आपके पास आता है, और मतलब आप कोशिश कर सकते हैं, इसे लेके कोशिश भी रायगा नहीं जाती। तो कोशिश आपको ज़रूर करनी है और हर इंसान को करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो कोशिश से आप मतलब कभी मैंने ये नहीं सोचा था जिंदगी में, जब मतलब जब मैं एनईडी में था एटलीस्ट, कि कभी मैं MIT में अप्लाई करूंगा। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं करते तो समझो उसका जो आंसर होता है ना वो नो होता है। जब तक आप किसी से कोई चीज़ पूछोगे नहीं, वो उस वक्त तक वो नो ही रहती है। तो आपको एफर्ट करनी पड़ती है, इसे लेके फिर हो सकता है कि यस आपको मिल जाए। आपको बार बार पूछना होता है कि हो सकता है आपको कहीं से कोई ना कोई यस मिल जाए। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ट्राई करो। आप कभी ये ना सोचो कि ये चीज़ बिल्कुल आउट ऑफ रीच है, यार ये कैसे होगा। आपको अप्लाई करना है, आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोशिश करनी है कि आप आगे जाओ, तो फिर कुछ ना कुछ ऑप्शंस अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। थैंक यू वेरी मच कासिम, थैंक यू वेरी मच। ऑडियंस से मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में मजीद आगे के किस तरह से आपको सेशन लगा, और कोई और रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं रिगार्डिंग द सेशन, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसके अलावा मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद बताइए कि भाई कौन से मजीद अलुमनाए हैं जिनको आप लोग देखना चाहते हैं अगले के सेशंस में। अपना प्लीज़ फीडबैक दीजिए, ये पूरे ग्रुप के लिए है ये सेशन। इट्स नॉट ओनली अबाउट माई सेल्फ, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस एज अ कम्युनिटी। प्लीज़ अपना जितना मैक्सिमम फीडबैक हो सकता है हमें दीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।